हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे IT 402 कोड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए, सारे चैप्टर्स का मिल जाएगा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का चैप्टर नंबर 3, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। साल भर अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बेसिकली बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा, आइडिया मिल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं ICT होता क्या है। ICT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट इंक्लूड्स अ डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड रिसोर्सेज यूज टू कम्युनिकेट, क्रिएट, डिसेमिनेट, स्टोर एंड मैनेज इन्फॉर्मेशन। ICT का यूज़ करते हैं हम लोग पहली बात तो कम्युनिकेशन करने के लिए, और साथ ही साथ हम लोग स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन को, डेटा को, उसको स्टोर करने के लिए भी ICT का यूज़ करते हैं। ICT को अलग अलग सेक्टर में यूज़ भी किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग रिसर्च डेवलपमेंट करने में, ट्रेनिंग करने में ICT को यूज़ करते हैं। रिटेल सेक्टर में भी हम लोग डेटा स्टोर करने के लिए ट्रेनिंग में कर सकते हैं। ब्यूटी वेलनेस में भी हम लोग सेम काम कर सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए कर सकते हैं। बैंकिंग के लिए जैसे हम लोग बैंक में जाते हैं तो हम लोग सारा डेटा स्टोर होता है, उसको प्रोसेस होता है, सारी चीज़ें आपको ICT के अंतर्गत आएगी, तो बैंकिंग में भी इसका यूज़ है। अपेरल्स में यूज़ है इसका, लॉजिस्टिक्स में, हेल्थ केयर, यानी सारे सेक्टर्स में ICT का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसका रोल ज़रूर रहता है। अगर आप सिंपल वे में लिखे तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में रहता है, डेटा स्टोर करने पर रहता है, और इस तरह के डेटा प्रोसेस में भी ICT का यूज़ होता है। सब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है स्मार्टफोन और टैबलेट दोनों में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, हम लोग जनरली टैबलेट बहुत कम यूज़ करते हैं और स्मार्टफोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या क्या होते हैं उसको चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्मार्टफोन होता क्या है। तो स्मार्टफोन इज़ ऑल्सो अ फ़ोन बट हैज़ सम एडिशनल फीचर्स। स्मार्टफोन भी एक तरह का फ़ोन है जो पहले हम लोग यूज़ करते थे, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स आ गया, जैसे कैमरा हो गया, नेविगेशंस हो गया, कुछ ऐप्स हो गया, गेम हो गया, इस तरह के फीचर्स ऐड करने से वो एक स्मार्टफोन बन जाता है। टैबलेट क्या होता है? टैबलेट भी एक तरह का स्मार्टफोन है, लेकिन उसमें कुछ और फीचर्स बढ़ जाता है, जैसे कि उसका स्क्रीन साइज बढ़ता है। स्क्रीन साइज बढ़ने की वजह से आप उसमें परफॉर्मेंस और भी कुछ कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, इस तरह के टास्क को आप इजीली कर सकते हैं। देखा जाए तो टैबलेट को आप एक कंप्यूटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एक टच पैड कंप्यूटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। स्मार्टफोन का स्क्रीन साइज स्मॉल होता है और टैबलेट का स्क्रीन साइज बड़ा होता है। स्मार्टफोन में फोटोज़ वीडियोज़ को एडिट करना थोड़ा हार्ड होता है स्क्रीन साइज छोटा होने की वजह से, और टैबलेट में इसको आसान हो जाता है क्योंकि स्क्रीन साइज बड़ा है तो आपको देखने में ईजी होगी। बैटरी लाइफ स्मार्टफोन का कम होता है और इस टैबलेट का बैटरी लाइफ ज़्यादा होता है। उसी तरह स्टोरेज में दोनों साइड में अलग अलग आता है, क्योंकि आपको जितना स्टोरेज का ज़रूरत है उस तरह से दोनों स्टोरेज आपको अवेलेबल है, जितना आपको ज़रूरत है उतना आप स्मार्टफोन भी ले सकते हैं और टैबलेट भी ले सकते हैं। अब आते हैं मोबाइल डिवाइस लेआउट। दोस्तों, मोबाइल के बारे में जितनी चीज़ें आप अभी पढ़ाएंगे आई थिंक उससे ज़्यादा आपको पहले से नॉलेज होती है, इसीलिए इसको बस बेसिकली ब्रीफ में कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मोबाइल डिवाइस में बेसिक क्या क्या चीज़ें होती है फ्रंट में, लेआउट में। तो लेआउट में सबसे पावर बटन होता है पहला। पावर बटन का काम क्या क्या होता है पता है, शट डाउन करना या ऑन करना। स्क्रीन होता है, स्क्रीन का भी यूज़ पता ही है आपको, किसी भी चीज़ को यूज़ करना हो तो स्क्रीन से ही कर सकते हैं। बैक बटन से हम लोग पीछे जाते हैं, माइक्रोफोन का बात करने के लिए यूज़ करते हैं ऑडियो के लिए। मेन्यू बार में जा करके जितने भी मेन्यूज़ होते हैं जो उसमें कंटेंट है उसको देख सकते हैं। होम बटन में हम अपने होम स्क्रीन में जाएंगे और ईयर पीस से अपने कानों में आवाज़ पहुंचाएंगे। तो ये सब बेसिक चीज़ें थी, सब आपको पहले से पता है। बेसिक गेस्चर्स ये आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। टैप करने का मतलब क्या होता है? टैप करने का मतलब होता है एज़ यूजुअल जो हम लोग माउस में काम करते हैं, सेम चीज़ ये टैप करके हम स्क्रीन पे काम करते हैं, एक क्लिक करने का काम होता है। टैप एंड होल्ड, अगर किसी चीज़ को टैप करके अगर होल्ड किए हुए, इसका मतलब क्या होता है कि वो एक राइट क्लिक का तरह माउस का काम करता है और उसमें आपको ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ड्रैग का मतलब टैप करेंगे, उसको होल्ड करेंगे और जहां मन आप उस ऐप को आप ले जा सकते हैं। स्वाइप का मतलब क्या होता है? एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर अगर या फिर पेज चेंज करना है तो आप स्वाइप कर सकते हैं। डबल टैप करने से जूम होता है और पिंच करने से दो उंगली को अगर थंब और फिंगर दोनों को पकड़ के अगर स्लाइड करते हैं अपनी तरफ तो उससे क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो पिंच करने से आप हम लोग स्क्रीन साइज छोटा भी कर सकते हैं। बेसिक पेरिफेरल्स क्या क्या होता है कंप्यूटर्स के, वो तो आपको पहले से पता है। कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, स्पीकर, स्कैनर, प्रिंटर,
CPU, इस तरह के UPS, सारी चीज़ें आप लोगों को पता है इसका यूज़ क्या क्या है, इसमें आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और उसको पता ही है, उसको CPU भी कहते हैं, लेकिन उसमें तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, इट एक्ट्स लाइक अ रिसीवर एंड मैनेजर ऑफ अ कंपनी, इट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड कंट्रोल डिफरेंट पार्ट्स टू डू ऑपरेशन रिक्वायर्ड। कंट्रोल यूनिट अलग अलग तरह से रिसीवर का काम करता है, अलग अलग डेटा को लेके आता है और अपने तरफ स्टोर करता है, उसको मैनेज करता है। प्रोसेसिंग यूनिट उसी के अंदर CPU का ही सारा पार्ट्स है, तो प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या होता है, एक अकाउंटेंट की तरह काम करता है, जो भी डेटा आया है उसको प्रोसेस करता है, उसमें क्या इनपुट हुआ है, क्या चेंजेस लाना उसको करता है। और मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है, उसमें जो भी हम डेटा में चेंजेस लाया, जो स्टोर किए उसको स्टोर करना, पहले रैम में स्टोर करता है उसे टेम्प्रोरी स्टोरेज बोल गए, और अगर उसे रोम में करता है यानी हार्ड डिस्क में, तो वो उसको सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। अब आते हैं इंटरनेट में। इंटरनेट में बेसिकली आपको दो चीज़ें जरूरी जानकारी है, एक वायर्ड कनेक्शन होता है, दूसरा वायरलेस कनेक्शन होता है। वायर्ड कनेक्शन क्या होता है, ऐसा कनेक्शन जिसमें हम लोग वायर से कनेक्ट करते हैं। वी यूज़ इथरनेट केबल टू कनेक्ट टू द मॉडेम विच कनेक्ट टू द ISP यूजिंग अ फोन लाइन। हम लोग इथरनेट केबल यूज़ करके वायर्ड कनेक्शन से इंटरनेट को कर सकते हैं, बेसिकली ये कंप्यूटर में करते हैं, ये लैपटॉप में नहीं कर सकते हैं। वायरलेस कनेक्शन क्या होगा, इंटरनेट कनेक्शन लेना जिसमें हम लोग बिना तार के सहायता से, बिना वायर से, तो जो कि आप लोग लैपटॉप में करते हैं, देखिए लैपटॉप में मॉडेम लगाते हैं, मॉडेम से वो डायरेक्टली हम लोग डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसको लिख लीजिएगा, बैंडविड्थ क्या होता है, तो बैंडविड्थ इज़ द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर आ नेटवर्क इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। बैंडविड्थ का मतलब होता है कि आप कितना डेटा, कितना अमाउंट ऑफ डेटा एक सर्टेन टाइम में भेज रहे हैं। इसको जानने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक आप पाइप खरीदे पानी का, पाइप में से एक सेकेंड में या एक मिनट में या एक घंटा में कितना पानी पार हो रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप ऑन अ सर्टेन टाइम इज कॉल्ड, उसका इस क्या बोलते, फ्लोइंग कह सकते हैं। और बैंडविड्थ में वही चीज़ हो जाता है कि एक समय में, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको बोलेंगे बैंडविड्थ। दोस्तों वेब पेज और वेब ब्राउज़र में बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, तो इसको याद रखिएगा। वेब पेज क्या होता है, अ वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट प्रेजेंट ऑन अ कंप्यूटर दैट इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेब पेजेस। किसी भी वेब पेज का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट है जो कि कंप्यूटर में है और वो आपको इंटरनेट पर अवेलेबल है। कंप्यूटर पे अगर किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसको हम लोग वेब पेज बोलते हैं। वेब ब्राउज़र क्या होता है, अ वेब ब्राउज़र इज कॉमनली रेफर टू अ ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है, वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि वेब पेजेस को लाने में मदद करते हैं। जैसे कि एक कंप्यूटर में आप देखे होंगे क्रोम यूज़ करते हैं, मोजिला यूज़ करते हैं, तो वो दोनों वेब ब्राउज़र है, आप उसके सहायता से उस पेज पे पहुंचते हैं। तो वेब पेज अलग चीज़ है और वेब ब्राउज़र अलग चीज़ है। ईमेल में आपको पढ़ना तो बहुत कुछ है, जैसे कि ईमेल भेजते कैसे है, ईमेल रिसीव कैसे करते हैं, उस तरह की जितनी भी जानकारी वो तो आपको पहले से पता है अटैचमेंट के बारे में, तो उसके बारे में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं जो बेसिकली जानते हैं क्या क्या है। इनबॉक्स क्या होता है, इसमें ईमेल जितने भी आएंगे वो ईमेल हमारे पास जो आएंगे वो इनबॉक्स में जाएंगे। सेंट में हम जो ईमेल भेजेंगे वो सेंट में चला जाएगा। ड्राफ्ट, ऐसा ईमेल जो हम टाइप कर दिए, जो हम रेडी कर दिए लेकिन हम सेंड नहीं किए, किसी भी कारण से उसमें कुछ चेंजेस लाना होगा या फिर लाइट नहीं था, अगर हम सेंड नहीं कर पाए तो वो ईमेल चला जाता है ड्राफ्ट में, उसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं, भेज सकते हैं। जंक या स्पैम क्या होता है, ऐसा ईमेल जो कि यूज़फुल नहीं हो, ऐसा ईमेल जो कि आपको लगता हो या फिर ईमेल की टीम को लगता है कि ये एक तरह से फ्रॉड है, एक तरह से आपकी कंप्यूटर को हार्म पहुंचाएंगे, तो वो स्पैम में चला जाता है या जंक फोल्डर में चला जाता है। ट्रैश क्या होता है, ऐसा फोल्डर जहाँ पर हम लोग ईमेल को डिलीट करते हैं, जैसे कंप्यूटर में किसी चीज़ को डिलीट करते तो रिसाइकल बिन में चला जाता है, उसी तरह किसी चीज़ को ईमेल डिलीट करेंगे तो वो ट्रैश में चला जाएगा, आपको फिर वहाँ से दोबारा डिलीट करना पड़ता है, तब जाकर के वो परमानेंटली डिलीट होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, इससे बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है हम लोगों को, आप लोगों के लिए इसी तरह के कंटेंट बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए चैनल के बारे में दोस्तों, ताकि हमें बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलेगी। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसका लिंक आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है,
crackmycbse.com, www.crackmycbse.com पर जाइएगा, वहाँ पर आपको सारी PDF ऑनलाइन अवेलेबल है। आप वहाँ जाकर डाउनलोड करके आप दोबारा इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।